सो जे ही सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तो बंदहूं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो हम लोग देखे कि कलयुग भले से अवगुण और पाप का घर हो और उसमें सबसे सरल मार्ग है भवसागर से पार होने का, इससे सरल और कोई मार्ग है ही नहीं। जो गति त्रेता द्वापर सतयुग त्रेता द्वापर में योग यज्ञ और पूजा से होता मिलता रहा, वही गति कलयुग में श्री राम नाम के श्वास माला से प्राप्त होता। श्वास माला कोई भी श्वास बाकी न जाए, जवन श्वास ले जवन श्वास छोड़ो, ठीक न। इनमें हर एक श्वास में मन के अंदर राम ही राम चले और अपन चित्त के स्थिर कर ले कि कुल श्वास राम जी कहो, अब अहंकार का श्वास नहीं हो, ठीक न। सुकृत युग सब जोगी विज्ञानी अकरि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में जो मनुष्य लोग हैं वो सभी योगी और विज्ञानी, योगी है माने बैरागी है, बैरागी योगी ज्ञानी विज्ञानी ऐसे मनुष्य सतयुग में होते हैं और प्रभु का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। अत्रेता विविध यज्ञ नर करहीं अब प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। त्रेता में मनुष्य तमाम यज्ञ की क्रिया करके प्रभु को समर्पित करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरही उपायन दूजा। और
द्वापर में श्री राम जी की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग देखिए कितना अच्छा युग है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। देखा गाता था लग गा कि हमें कुछ नहीं बा, आप लोग को आप लोगों के भी था तो लगेगा हुई भाई, अब डूबे तो नौ डॉक्टर साहब अब का डूबे हाँ लग गया राम नाम रूपी पहुंच पकड़ के पार दे गया। और ध्यान दे कल्याण हो भाई, कल्याण हो। इतनिया सब मिला यज्ञ पूजा करता है न कलयुग में, जबकि व्यवस्था साफ साफ बा कि कलिजुग जोगन जग्यन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, अज सब भरोसे तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में ना तो योग है, ना तो यज्ञ और ना ही ज्ञान, न योग न यज्ञ और न तो ज्ञान, एक ही आधार है, वह है श्री राम जी के गुण का गान, जो सभी भरोसा को आशा भरोसा को छोड़कर परम पवित्र भाव के साथ प्रभु का गान करता है। सभी आशा और भरोसा को छोड़कर आपके कल कुछ ख्याल तो कहते हैं कि जो गुण समूह को गाता है सब आशा और भरोसा को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा नाथ या शंकर जी की बाड़ी है कि सोई भव तर कछु संशय नाही, अनाम प्रताप प्रगट कलिमाही, वह भव सागर से अवश्य पार हो जाता है, इसमें कोई संशय कोई का आशा भरोसा नहीं रखे के बा, प्रेम से भगवान का गुण गईबे आराम से भव सागर पार हो जीबे। इमे तन को कैसे पता लगी कि हम भव सागर, आप यही धुन में लीन रहबे, प्राण पखेरू ऐसा निकलिए जैसे कि पता न चली, ठीक न, और सीधे पहुंची परम धाम। ये जोन हुचकी लगाला सबके जो तुलसी पत्र डाला ले है, तो उन लोग कभी भव सागर से पार नहीं होते में, हाँ तो सब भव सागर में पैदा होता मोर होता, यहाँ न तो जन्म सही बा न तो मृत्यु, अगर सत्य है तो श्री राम नाम। और यहाँ ध्यान दे कलयुग के एक और विशेष व्यवस्था है कि कलि कर एक पुनीत प्रताप, अमानस पुण्य हो ही नहीं पापा, पकड़ जाए के आप मन से अगर कोई के कल्याण सोचबे, ठीक ना, ये बड़ा पुण्य प्रताप हो कलयुग के, मन से अगर कोई के कल्याण सोचबे तो ओकर कल्याण हो ही जरूर, और कोई पाप अगर सोचे तो ओकर पाप हो नहीं सकत। एकर अर्थ बा कि अगर ये संसार जगत में कोनो दंभी कपटी पाखंडी कहे कि हम तुरे ऊपर भूत कर दे तहार नाश कर दे, ऐसा कोई वाणी बोले तो समझ जाई बेवकूफ, कलयुग में कोई के पाप सोचे वाला पूरा नहीं हो। ये
इनमें लोगन के जो है मानस शंका आ जाला कि महाराज मन से अगर कोई के पाप सोचबे तो काहे न होई, और युग में तो होला, ए युग में काहे न होई, ए से न होई, अब आगी में आगी जलवे तो कोनो प्रभाव पड़ी, यहाँ तो कुल पापे भराबा ने, बाकी युग में तो पाप नहीं बा, लेकिन ये युग पापे से भरा बा, तो पाप में पाप डाले से कोनो प्रभाव न पड़ी, वो जितना पाप सोच के डाले चाहता उसे ले तगड़ा पापी हुए बा तो के वो छोटा सा पाप का प्रभाव नहीं पड़े। तो कभी भी ना सोचा कि कलयुग आगल, कलयुग आगल, सच बात तो यही बा कि कलयुग समय युग आने नहीं, जो नर कर विश्वास, अगाई राम गुण गन बिमल भवतर बिनहि प्रयास। ध्यान दे, मात्र ध्यान मत दीजिए, विश्वास कर लीजिए, कलयुग के जैसा भव सागर से पार होने के लिए कोई दूसरा युग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई जो है कि चिदिम्बा करने की जरूरत, हर जगह से मन को खींच के लाइए और प्रेम से प्रभु का गुण गाइए और भव सागर बिना परिश्रम के ही पार हो जाए। बाकी युग में तो तनको मन से गलती सोच ले तो बिगड़ जाएगी बात। मैं बहुत बार बस खाली यह विश्वास बैठा ले वे की बात, ठीक ना, एन बैठा लेन तो अपन शुरू हो गए। तो आप लोगों के भी अच्छा लगा था ये बात समझ में आओ तो भैया। अब देखो धर्म धर्म लोग चिल्ला ले, चार थे धर्म होला, धर्म के चार थे चरण होला, धर्म के चार चरण होला, क्या क्या होला, सत्य, दया, तपस्या और दान, चार चरण होते हैं। कलयुग में सत्य है नहीं है, झूठा है, झूठ का ही युग है। तो कहते हैं कि इसमें कौन धर्म करे चाहिए महाराज, तो प्रगट चारी पद धर्म के अकलि महु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण। माने धर्म के जो चार चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान, जिसमें से कलयुग में केवल दान रूपी चरण ही प्रदान होता। आज सब दान करते हैं लेकिन तामसिक भाव में, उस दान का कोई मतलब नहीं। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने वाले दान तामसिक भाव में नहीं, माने कि जहां भी दान जोने भी प्रकार से होगा, खेत हो, घर हो, धन हो, परिश्रम हो, जोनो भी प्रकार से दान दिया वह कल्याण करे वाला बा, ठीक ना। बाकी आप लोग यहाँ बाय तो एक ही कहो कहे दान है महाराज, सत्य, दया, तपस्या हमने कुल कर जाए, झूठ के कहे रखो है ना। दया माने जिहा जरूरत बा, जिके जैसन आवश्यकता बा तो वहां जो ना दया का भाव रखो, अगर चाहबे करवे तो कुल कर सकल है। अब देखिए डॉक्टर साहब, लोग मानते नहीं, आज इस लाइन पर निशान लगा लीजिएगा कि लोग मानते नहीं कि हम किसी के बस में हैं। सब लोग सोचते हैं कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, जबकि भगवान शंकर जी की बाणी है कि नित्य युग धर्म हो ही सब के रे
हृदय राम माया के प्रेरे, श्री राम जी की माया से प्रेरणा प्राप्त करके प्रत्येक युग के जो धर्म होते हैं वो हमेशा होते रहते। आप लोग कल कलयुग के धर्म को देखे, आज वही चीज सामने दिखाई दे रहा है, सब वैसे ही तो कर रहे हैं। तो यह बात जो आती है कि महाराज भगवान तो करावत है, यह बात बिल्कुल मिथ्या है। यह भगवान के माया की प्रेरणा से होता है। भगवान कभी भी किसी को गलत कार्य करने की प्रेरणा नहीं, सब करिए गलती और लगे दोष भगवान करावत नहीं। भगवान के माया की प्रेरणा से सभी जीव के अंदर प्रत्येक युग के धर्म कर्म होते। तो जो भगवान का सेवक है वहाँ पर भगवान की माया काम नहीं करेगी, ठीक ना? तो कहते हैं कैसे कैसे पता चली, देखो अपने मन का अवस्था देखो। तो शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब सत्व गुण हो सतोगुण माने सिद्ध कल्याणकारी बुद्धि, मन से वाणी से कर्म से किसी का कल्याण सपने में भी न सोचा जाए, समझ रहे हैं? कल्याण सोचा जाए और कल्याण न सोचा। हाँ, मन से सोचबे तो मन से वाणी से और चरित्र से हमेशा हर एक श्वास खाली कल्याण बदे हो और समता सबके एक बराबर भाव से देखना। विज्ञान यही विज्ञान हो रहा है, ये सब विज्ञान इससे बड़ा कौन विज्ञान हो भाई जो उनकी मनोवे के साफ कर दे। और मन का प्रसन्न होना, सात्विक भाव समता का भाव समदर्शी एक बराबर भाव में सबको देखना, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जानना चाहिए। तो आप लोगों का भी यदि ऐसा भाव बना ले, कल्याणकारी ही सोच हो, सबको एक भाव से देखे, अपने और दूसरे में भेद न करे, मन को प्रसन्न रखे और लोगों को यथार्थ से परिचय कराए जिससे उसका मन पवित्र हो। यही चारों चीज रहेगा तो आप कलयुग में भी सतयुग का आनंद लेके जी पाएंगे। यही चार कार्य करना है, समझ में आता है? असत्व बहुत रज कछुरति करमा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। अब बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्व बहुत हो, कल्याणकारी बुद्धि बहुत हो और उसमें थोड़ा रजोगुण हो जाए। रजोगुण मतलब समझत है मानवीय, सत्व तो संत का गुण हो गया और रजो मतलब मानवीय। मानवीय का अर्थ है कि हम समाज में अपने शरीर के द्वारा कुछ विकास का कार्य करें, लोगों को सुविधा हो, ये मानवीय गुण में आता है रजोगुण में। यदि मन बड़ा
नहीं, मान बड़ाई प्राप्त करना उतना निकृष्ट होगा। शरीर मिला है तो कुछ ऐसा सेवा करे जिससे कि सब लोग हाँ और हाँ जो मनुष्य के धर्म है। यहाँ पर कोनो मनुष्य का धर्म नहीं होता, यह जो है मनुष्य का धर्म कर्म नहीं है। माने रजो का अर्थ है कि थोड़ा राजशाही ठाट है ना, ऐसा अगर जो है व्यवस्था रहे तो इसे त्रेता का और राजशाही ठाट हो और मन में हर्ष और भय हो। एक मिनट, नहीं हर्ष भय नहीं, बाकी हर्ष भय न हो, हर्ष भय न हो। हाँ तो ऐसी अवस्था हो तो इसे त्रेता का प्रभाव समझना चाहिए। तो आप लोगों से इतना कह चुके हैं, हर्ष भय क्यों रखेंगे? आप लोग इसी कलयुग में सतयुग का जीवन जी रहे हैं और रजोगुण बहुत हो, सतो न हो। रजोगुण बहुत हो, अरे हाँ रजोगुण बहुत हो, सत्व बहुत कम हो। कल्याणकारी बुद्धि जो यह देख रहे हैं यह बहुत कम हो और तामस कुछ हो तो यह, और साथ में मन में हर्ष और भय हो, मन के अंदर हर्ष और विषाद हो तो इसे द्वापर का प्रभाव जानना चाहिए। अतामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। और कहते हैं कि तामसिक गुण बहुत हो, रजोगुण बहुत थोड़ा सा, और सतो का तो नाम ही नहीं है। इसे कलयुग का प्रभाव समझना, इसलिए बार बार कहता हूं डॉक्टर साहब कि अब सतोगुण कल्याणकारी बुद्धि मन वाणी और कर्म से एक भी धरती के समाज में नहीं है, एक भी नहीं है। तो कहते हैं कलयुग के विशेष प्रभाव से चारों ओर विरोध ही होता है कल्याण होगा, चारों ओर विरोध है होता है, घर घर में विरोध शुरू होगा। बा तो जो विद्वान लोग होते हैं, जैसे अब आप लोग पहले जैसे नहीं रहे, अब धीरे धीरे सुन के समझदार बनत है। तो बुद्ध युग धर्म जानी मन माही, अतजी अधर्म रति धर्म कराही। जो विद्वान लोग होते हैं वो युग का प्रभाव जानकर अधर्म को छोड़ देते हैं और धर्म से प्रेम करते, ये भर फिर क्या कर अधर्म बा, तो उनमें रह के क्या हुई? उनमें अगर डॉक्टर साहब ए अधर्मन में, ए अधर्मियन में यदि कुछ सहयोग देते है तो ये अधर्म के बढ़ावत है, क्या हुई है ठीक होके? कौन जरूरत बा धर्मी लोग कहे कि आपके धरती पे कोई जो मन पवित्र करे बदे बह नहीं बस ठीक हो जाओ, क्या दूसरे के जो नो डाह ऐसे विज्ञान छोड़ दें कि ये रसपन के क्या करवे ठीक करके पाप करो भोग खत्म हो, नहीं तो मन तो साफ करो ठीक। समझ में आल बात? जो विद्वान लोग होते हैं वो युग के धर्म को जान करके कि ये युग का प्रभाव है अधर्म को छोड़ देते हैं, इसमें पूरा अधर्म अवगुण और पाप का पूरा घर बाई कलयुग, तो फिर इसमें जो है मन लगा के क्या करेगी?
मन लगाएंगे तो आपके मन में घुसेगा अधर्म, पाप और अवगुण। यही से संसार में मन लगावे की जरूरत नहीं बा। तो इन सब बाड़ियों पर जब लोग विचार करे तब तो आगे भाई ऐसे जीवन उचित नहीं है। कल्याणकारी बुद्धि कुछ उत्पन्न हो, लोग जब भी निकले अपने घर से तो एक दूसरे के कल्याण के लिए ही निकले। अब यही शुरू है भाबा। अब ध्यान दे तो कहे कि गुरु ऐसा कोई बात जिकरे ऊपर ये कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ा, प्रश्न ही ने कहे कि अंत दिखाता है। जय श्री राम। तो कहते हैं कि काल धर्म नहीं व्यापही ताही और रघुपति चरण प्रीति अति जाही, अनट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माया। कहते जिनका श्री राम जी के चरणों में पूरा का पूरा प्रेम है उनके ऊपर युग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मदारी का जो चेला होता है, मदारी वाले का चेला, तो बाकी जनता तो भयभीत हो जाती है खेला देख के, लेकिन उस चेलवा को पता है कि मेरा कुछ ठीक नहीं। जे भगवान जी का सच्चा सेवक बन जाई ओकरे ऊपर युग का कोनो प्रभाव देखे भवाब रास्ता तो मिला यही थी ना। अब तू कहे नहीं गुरु हम दोनों में रह ले तेने अगर मन के रखबे तेने मन के प्रभावित करी और स्थिर होवे दई है, और जब तक मन स्थिर न हो तब तक शांति हलचल जब तक खोद रही डॉक्टर भाई तब तक कहाँ शांति मिली। तो कहते हैं ध्यान से सुलझ जा तन को चित कहीं न जाए, आज पूरा रामचरित मानस उत्तर कांड संपन्न करे के हो समझो। हरि माया कृत दोष गुण अब बिनु हरि भजन न जाही, अभजिय राम तज काम सब अस विचारी मन माही। कहते हैं कि जोन भगवान का मायावी दुनिया जोन आखिरी से देखा तो ये गुण और दोष से सन के सन मतलब शान के बनैला गावा, एमे गुण और दोष दोनों बा, और ये बिना भगवान के भोजन के कटे वाला इहे मन में विचार करके सब काम त्याग करके भगवान का भजन करे के चाहिए। तो सब काम के त्याग करे के मतलब कि कहे कि कागुरु तो घरे का कमो न करी नहीं करो, लेकिन उनमे आसक्ति मत रखो, भगवान है बदे सब करो ताई, उनमे तर्को ममता न रहे ठीक न। इतना तो आदमी कर सकला ने भाई, सच्चे भाव से सेवा होता और का। तो इस प्रकार से मैंने सभी कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना। तो देखो सभी कामना में वह सब बा, पुत्र धन घर नारी चेला पूजा प्रतिष्ठा ये सब कामना हो, जेकरे अंदर ये कामना हो गुरु नहीं हो सकत माने वो भगवान का सच्चा सेवक। जे भगवान का सच्चा सेवक रही वही के साथे में जब जइबे तो तहु सच्चा सेवक बनबे, पानी में जइबे तो शरीर भीगी तो सच्चा सेवक के पास जीवे तब तो सच्चा सेवक बने के प्रेरणा मिली, प्रेरणा तो मिल जाये। और आपके जब अनुभव हुई तो नहीं भगवान जीसन करो तो नहीं बड़ा बढ़िया बा,
ऐसे बढ़िया और का हो सकला धरती तो बताओ, ऐसे बढ़िया का काम हुई, कितनो जो है कि पैसा जुटा लेबा उससे का हुई, घमंड बढ़ी ठीक। तो का घुसुंडी जी बता रहे हैं कि जौन कलयुग रहा महाराज गरुड़ जी से, तो ते ही कली काल बरस बहु अब से अवध बिह गे अपरे उदुकाल विपति बस तब मैं गयऊ विदे। कहते है गरुड़ जी उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक मैं अयोध्या में रहा, समझे, और एक बार वही अकाल पड़ गया। बताया ना कि कलयुग में दुकाल पड़ा, तो वहां पर जब दुकाल पड़ गया तब अकाल मतलब सूखा उखा पड़ गया, तब हम गए विदेश, विदेश माने कि उज्जैन पहुंचे, उज्जैन बाना वही भी तो का घुसुंडी जी वहां आए और कहता है कि गयऊ जेनी सुनू रे गारी अदीन मलीन दरिद्र दुखारी गए काल कछु संपत्ति पाई तहां पुनि करऊ शंभु सेवकाई। कहते कि मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी, जब अकाल पड़ जाई आदमी दीन मलिन दरिद्र दुखी हो ही जाई, बताए ऐसी अवस्था में उज्जैन गया और कुछ समय बीतने पर संपत्ति प्राप्त किया, कुछ धनों जुट गया, काम करे हुई है, तो कहे क्योंकि बाद हम शंकर जी का आराधना शुरू कर दे, तब शंकर जी का आराधना शुरू कर दिए और रहल शरीर शूद्र के माने हरिजन कुल में ही पैदा भल है, ठीक न। देखो अपन अनुभव बतावत है, तो बतावत का है कि विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेही काजु न दूजा परम साधु परमारथ बिंदक असंभू पासक नहीं हरि निंदक। कहते वही उज्जैन में एक ब्राह्मण देवता थे जो वेद के विधि से जैसा वेद कहते हैं उस विधि से शंकर जी की पूजा करते थे और उन्हें दूसरा कोई काम नहीं था मात्र शंकर जी की पूजा करें, और वे परम साधु बतावे कि न पड़ी परम साधु का होला, परम साधु माने एकदम हाँ परम पवित्र, कौनो सुख भोग की इच्छा नहीं वही सब, और परमार्थ के ज्ञाता थे, परमार्थ के जाने वाला रहे। वे शंकर जी के तो उपासक थे लेकिन विष्णु जी के या किसी अन्य देवता के निंदा करने वाले नहीं थे। अक्सर लोग जो है कि अपने अपने के मानो लेना और दूसरे का निंदा करो ले, तो शंभू के उपासक थे लेकिन विष्णु जी या अन्य किसी के निंदक नहीं थे। तो बता रहे हैं देखा जिसे तू उसमें सेवा कर ले अवलन है सुना बदिया उठे वाय, तो यह बताएं कि ते ही सेवाऊं मैं कपट समेता
अद्विज दयालय तीनी तीनी केता बाहिज नाम्र देखी मोही साई विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। कहते हैं वही पंडित जी के सेवन करत रहे लेकिन कपट के साथ है ना, जैसे कि आप लोग भी देखो शुरू से आवत है तो हमें समझत हो गए गुरु हम पढ़े हम जानी ला। यहाँ से जब सफा सफा कही है कि भाई राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह के बीच में नहीं हुए कि बस सुन लेवे लेकिन उकरे बाहर न आईबे तो कपट भोगल नहीं। अगर सुन के अगर विश्वास से मनबे तब न पवित्र होवे। तो कहें कि मैं उनका जो है कपट के साथ सेवन करता था मैंने जी जी करके ठीक ना, तब आपसे जियो का बना के बंद करा दी है मैंने ना ही तो जितना समझ जाओ उतना ले भाई। देखो पक्का पक्का नियम से यह बा सब सोहर का शुरू हो गल हाँ उन्होंने राम राम कहते हैं ध्यान से सुनबे न तो इनके आवाज में राम राम सुनाई दी लेकिन फिलहाल ध्यान यहाँ रखो उन ऐसा कर्म करे बहन को न शरीर मिला बा ठीक। और कहते हैं कि ब्राह्मण देवता बड़े दयालु और नीति के घर ही थे। ब्राह्मण देवता बड़े दयालु थे उन्हों जानत रहे कि कपट करो थो इन्हू जान लेन कि यहाँ कपट हो थो लेकिन फिर भी सबके भाई देख ले यह करवे तो काम हो ही ना। यह नीति हो कि कपट जितना भी रहे डॉक्टर साहब लेकिन अगर आप कपट के बाहर रहे तो निश्चित है कि जे कपटी होकर कपट दूर हुई। लेकिन जब अपने आपके कपट के बाहर ही रखे के बाद ही आप पूरा दृढ़ रहो तो नहीं लोग कोले ने उन्हें इसे कहे था छोड़ो समाज ईसन बा यहाँ का बा कि कोई बात नहीं बा अब सब गंदा बात क्या करी हम मन के गंदा कर ले तो सब वही में मिक्स हो जाए तो फिर कुछ तो उपकार ना हो पाई ने। तो कहते हैं कि बाहर से मेरा कपट देख करके जान करके भी बाहर से तो हम नम्र थे जी गुरु जी तो बाहर से मेरी नम्रता देख करके ब्राह्मण देवता मुझे अपने पुत्र के जैसे पढ़ाते समझावे क्या है कि सासु है अरे बा अब कपट वहाँ बा तो तू अगर कपटी बनब तो कपट कैसे छूटी छूट सकला एक कपटी दूसरे के कपट छोड़ा सकला भाई असंभव बा। तो फिर जो है देखो बाहर से विनम्रता देख करके पंडित जी बड़े प्रेम से उन्हें समझावे तो शंभु मंत्र मोही द्विज बर दीना शुभ उपदेश विध विधि की ना जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्भ मिति अधिकाई। तो कह रहे कि वे ब्राह्मण श्रेष्ठ मुझे शंकर जी का मंत्र बताए और अनेकों प्रकार से शुभ उपदेश दिए ननकू भाई अनेकों प्रकार से अच्छी अच्छे उपदेश दिए और कहे कि बस मंदिर में जा करके मंत्र का जाप करो। कहते हैं मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया हाँ का लगा ला उप बढ़ता हो तो कैसे बढ़ी यहाँ से बता दे तू तो जान गई ले। अब एकर नियम बाकी ओके धारण करके अपन अहंकार और दम हटाओ एक तो ही बात बा तो वो अगर सही सही अगर गुरु के बाणी के विश्वास करके कर ले तो तार हो जाए मुक्ति नहीं तो कल जान तो गई ले भाई
और अब हमसे बड़ा साधु के बा समझे, अब के बड़ा साधु, अब दाढ़ी उड़ी बढ़ी ले बच्चा। मद मोह ममता मान कुछ मत रखो बच्चा, हाँ, क्योंकि इससे सेवक नहीं बन पाओगे। अब अपन जा करके मीठ मीठ बोल के और लगले लूटे, कोई के कलन दम भी। आज देखो, आज थोड़ा भाव यह है बाकी आज ज्यादा बेग न लिया ही बंदर, लेकिन इतना जरूर बा भाई, जो सब सही सही बात बतावो लेन गद्दियन पर बैठ के, तो उन्होंने यह दम बढ़ाए बहन, अपने अंदर खाली नहीं बहन, अपने अंदर लोग खूब बा। और भक्त लोग बेचारे सोचा था कि नहीं गुरु तो सही है बतावता है, रामायण में तो यह लिखा हो तो यह लिखो ला, लेकिन गुरु जी अपने के साफ करिए तो अपने भक्त लोग साफ हुई है, खाली कहे से। तो वही बता रहे हैं कि मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। अब हरिश्चंद्र भाई यहाँ समझ ले, यही ठीक अगर बुद्धि लगाई बे कि नहीं गुरु, बस मुझे करना ही है, जब तक मेरे अंदर वह साफ नहीं होगा तब तक इस मुंह से हम किसी से कहेंगे नहीं। कहे कि आप जो चीज आपके पास न हो वह उपदेश दूसरे को देने का नीति नहीं है डॉक्टर साहब, है ना? हाँ, इस पर बड़ा गहराई से विचार हुआ सब, तब जाकर के यह बुद्धि समझ में आई कि जब तक ये आपके पास नहीं रहेगा तब तक भक्तों के अंदर जा नहीं सकता। गुरु जी से सुन लीजिए, पढ़ के जान लीजिए, जानने से क्या होगा। तू जाना ताया जो है कि चाय में चीनी पड़ा ला तो मीठ लगा ला, तो जानो ताया तो फिर वो मीठ हो जाए चाय, जब चीनी डलवे तब न मीठ हो ही, खाई जाना से मीठ हो जाए। तो देखो मटेरियल न, जब यह मटेरियल दे थे अब एक ही जन और रखो, और जब कह देवे कि गुरु रख ले है, तो फिर हम चेक करो इन बड़ा दोनों व्यवस्था बा। जब तक कहता है कि नहीं गुरु तही तही बा, तो समझता है कि ठीक बा, प्रयासरत बा है बात तही तही, तो कोई बात नहीं भवा, एक ही चेक कर लेबा तो साफ हो जाए, बता ही सकीला। लेकिन जो समय कहबे कि नहीं गुरु आओ एकदम रख ले पक्का पक्का, तो फिर वह बातचीत करब और उसमें तनखो कच्चा रही तो पकड़ा जाला। अब देखते क्या रखे बात, ये जानो था कि करवे तो प्रभाव हो ही, और सोचबे कि नहीं अपन हम जो है कि भगवान सेवक बने बदे हम गुरु जी से भी झूठ बोल दी, अब बोलबे तो पकड़ा जाये, ठीक न? जानते है अभी काम तू मत करे, ये काम आप न करे चाहिए आपके, कि करवे करे कि न चाहिए, कोशिश करे कि ऐसा न हो। जवन चीज न यहाँ तक कि कोई से अगर झूठ नहीं छोड़ सकता है तो कोई से ही कहे कि जरूरत नहीं है कि झूठ न बोले चाहिए, ये अधिकार नहीं हो। नहीं तनको चक्कर मत रहो, सुनना से गुड़ा कर देबे तो सुनना हो जाये। हाँ, तो जानत है वो का कहत है, एक समझे यहाँ बा, कहे कि शूद्र कुल में उत्पन्न भल है तब जो है कि यह व्यवस्था। हाँ, इतना बढ़िया पंडित जी मिले, मन बाड़ी कर्म से भगवान शंकर जी का सेवक रहन, वेद विधि से जो ना पूजा करत रहन, सब समझाएं, लेकिन इनके अंदर नीच कुल में यह होला, कहे कि कुल वर्ण धर्म आश्रम ये भागवत गीता में सब वर्णन है, प्रभु खुद बताए बहन की जो कुल की व्यवस्था है, अधिकार आपको भी है, एकदम मन पवित्र करके भगवान का सेवक बन जाएं, रविदास जी ऐसे बने, ठीक, तो फिर अब उनके आचरण को वही करे चाहिए। लेकिन आज लोग थोड़ा सा ना ज्यादा बुद्धिमान होगा भाई, समझ ले, ठीक, तो
तो जब उहे चरित करबे जो नियम बा उहे ने, लेकिन लोग लालच के बस में हो जाते हैं तो सोन जितना हो सके कपट ले, जैसे वो चना का फुनगी बा कपते है साग बना हुआ दे। तो ठीक, तो फिर बता रहे हैं कागभूषुंडी जी कि मैं खल मल संकुल मति अनीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊ करऊ विष्णु कर द्रोह। कहते मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला अज्ञान के बस में होने के कारण भगवान विष्णु के भक्तों और ब्राह्मणों को देखते ही जल उठता। ठीक, तो अक्सर जो है कि जो नीच कुल के लोग होते हैं वे ब्राह्मणों से द्वेष उन पर विशेष होता है। ठीक ना, आप अनुभव करके देखो है। हाँ, और कहते हैं भगवान विष्णु से द्रोह करते, बल्कि जब सफा सफा करके आज बात कर लेबे ना तो फिर कहे तू उसमें चमार राम अपन जोन करेगो करो हम जोन हो नो करो। माने देखो अपने अंदर भाव रखो वही चमरौटी में कि तू उसमें चमारा रह जाए हमसे मतलब, अब हम भगवान का सच्चा सेवक बनब कि हम तो चमरौटी में जोन मन लगाई है एकदम पक्का पक्का। देखे पक्का बनाओ वजह है। चले ठीक, तो ध्यान दे। अब जे ऐसा कर्म करी तो गुरु जे ज्ञानी हो उस चरित्रवा में तुरंत पढ़ ना ले। तो गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखिया चरण मम, अमोहि उपजयति क्रोध दम्भी नीति की भावई। ध्यान दीजिए, करें गुरु मेरे आचरण को देख करके दुखित थे। आचरण में यदि कपट रहे तो गुरु के दुख हो करी, क्योंकि हम लड़कन के जिसे पढ़ावो थे और वो जो ना अपन कपट नहीं छोड़ता, तो वे हमेशा मुझे भली भात समझाते, मैं कुछ नहीं समझता, उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। काहे डॉक्टर साहब ध्यान दे, दम्भी लोगों को नीति कभी अच्छी नहीं लगती। जो दम्भी हैं, जो अपना प्रपंच चला रहे हैं, कोई निरंकार स्वामी रच करके नौटंकी कर रहा है, कोई यथार्थ गीता जो है किसी का चुरा करके अपना फोटो छपवा के ड्रामा कर रहा है, तो कोई मेरारू लोग जब पति परमेश्वर के जो है नहीं सेवा कर पावे में सक्षम भैनीन, तो ब्रह्म कुमारी चला करके अपन नौटंकी करो ताई। हाँ, तो कोनो ओम शांति चलावता है, देखे कनवा बाबू झूठे के जो की बात जो है बिजनेसमैन अपने आप के योगी बता करके नौटंकी करावा था, उसे ही एक बहन रवि शंकर करके वो अपने नमुआ के अगवा दूध दूध से श्री श्री लगाए बा ओके जो ना कामना हो कि पूरे देश में लोग हमें भगवान के रूप में जाने, समझे रजोगुण से वह व्यक्ति पीड़ित है। तो इन्होंने की अगर सही सही बात बताइबे तो इन्होंने के कभी जो है समझ में न आई। प्रमाण के लिए बैराग चाहिए ज्ञान बदे, बिना बैराग के ज्ञान हो ही न। धरती पर जितना नौटंकी सब बैठा बाए सबसे कहो कि पूरा अपन घर द्वार संपत्ति तिनके की भांति त्याग करके आओ ज्ञान लेवे बदे, एक जने आओ सामने खुला अवसर दे दे ज्ञानी बनल है
लोग के भाड़े का नौकर है, ना ही ताकत हो, बहुत बड़ा दिखाओ लग मीठ मीठ बोल के ना, ताकत हुआ तो सब त्याग करो, ये ना डॉक्टर भाई काय स्थिति पर काय जागत है, जितना दिया था उतना ले जाइबे तो दर्द आई नो, नहीं जब लेबे तो नो आई, नहीं लिया था यही से दर्द होता। तो कहते हैं कि दंभी लोगों को नीति कभी अच्छी लगती नहीं। अब देखिए, एक का घुसुंदी जी अपना बता रहे हैं, आज भक्त बन गए हैं, लेकिन उनको पहले जन्म में जब शूद्र के घर में जन्म लिए थे तब उनके साथ क्या क्या हुआ वही सब बता रहे हैं। तो एक बार गुरु लीन बोलाई, अब मोहिनी ती बहु भांति सिखाई, अशिव सेवा कर फल सुत सोई।